नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम समझेंगे मिट्टी के बर्तन के कुछ ऐसे उपाय जो हमारे घर में आने वाली धन की समस्या, हमारे वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्या और व्यापार में आने वाली समस्याओं को दूर कर सकता है। मिट्टी के बर्तन का बहुत ही सरल सस्ता सा उपाय है, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा है। आज हम समझेंगे कि हमारी समस्याएं, जैसे कि हमारे काम काज में हमें ग्रोथ नहीं मिल रही है, हमारा व्यापार नहीं बढ़ रहा है, या फिर बीमारियां होती जा रही हैं, घर में बीमारियों का आना बढ़ता ही जा रहा है, इन सब समस्याओं का हल आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। बीच में वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये लाल किताब का उपाय है। लाल किताब के ये उपाय, छोटे छोटे से ये उपाय इन्हीं चीजों के लिए मशहूर हैं। इनमें ना ज्यादा खर्चा आता है, लेकिन इनका असर बहुत ज्यादा होता है। तो आज जो हम उपाय करेंगे उसमें इस तरह से हम एक मिट्टी के बर्तन का उपाय करेंगे। मिट्टी के बर्तन का ये उपाय क्यों किया जा रहा है, आप इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जब भी हमारा शुक्र खराब हो जाता है तो खराब शुक्र को जली हुई मिट्टी कहा जाता है। और जली हुई मिट्टी क्या होती है, ये तो आप जानते ही हैं कि जो चिकनी मिट्टी होती है उस मिट्टी से ये बर्तन बनाए जाते हैं और फिर उन्हें भट्टी में अच्छे से जलाया जाता है, यानी कि पकाया जाता है। खराब शुक्र को मदद देनी होगी किसी की, तो मदद किसकी देनी होगी, वो देनी होगी बुध ग्रह की, जो कि खराब शुक्र का मित्र ग्रह है। अब बुध ग्रह को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर आपकी वाणी खराब है, मतलब आप अपनी बातों से किसी को प्रभावित नहीं कर पा रहे, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम इस उपाय से सही करेंगे अपने शुक्र को भी और अपने बुध ग्रह को भी। तो उसके लिए अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक मिट्टी का बर्तन ले लेना है। मिट्टी का बर्तन आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह का बर्तन ले या फिर इतना बड़ा ही ले। आप चाहे तो इससे छोटा भी ले सकते हैं और चाहे तो इससे बड़ा भी ले सकते हैं। और इस तरह का बर्तन ना लेकर के आप खुले कटोरे वाला बर्तन भी ले सकते हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको इस तरह से ले लेनी है हरी मूंग। साबुत हरी मूंग जो होती है, वो इस तरह से जो मूंग होती है, आप लोग जानते ही हैं, ये सबसे प्रबल कारक है बुध ग्रह की। ये आपको इससे पूरा भरना नहीं है, थोड़ी सी मूंग लेनी है और इसमें डाल देनी है। उसके बाद आपको इसमें पानी डालना है, जितनी ये मूंग भीग जाए इतना इसमें पानी डालना है और रात भर आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। और सुबह आपको इस भीगी हुई मूंग को इसमें से निकालकर पक्षियों को डाल देना है। ये उपाय उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो व्यापारी हैं, स्टूडेंट हैं, जो किसी न किसी तरह से अपने जीवन में धन की समस्याओं को झेल रहे हैं, या फिर जिनको भाषा की कोई दिक्कत है, जो सही से बोल नहीं पाते हैं, या बोलने में उनके थोड़ा सा हकलाना तुतलाना या इस तरह की कोई भी समस्या आती है, तो उसका कारण हमारा बुध ग्रह ही होता है। ये जो मुंह का और घड़े का उपाय है, ये उपाय आपका बुध भी सही करता है और इस उपाय से आपका चंद्र ग्रह भी सही होता है और आपका शुक्र ग्रह भी सही होता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है। देखिए, इस उपाय को अगर आप एक उपाय के तहत लेंगे तो भी सही है, लेकिन अगर इसे उपाय की तरह ना भी ले तो एक कर्म की तरह ले लीजिए, क्योंकि पक्षियों की, जानवरों की, जीवों की सेवा करना हमारा कर्म है, हमारा उपाय नहीं है। उपाय तो ये बन गए हैं, क्योंकि ये कर्म अब हम करते नहीं है, इसलिए प्रकृति हमें इन उपाय से जोड़ती है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। जिन लोगों को लगता है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, उसमें वो मजा नहीं है,
किसी प्रकार से या तो उनके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत रहती है या फिर जीवन साथी के साथ उनके सुखों में कमी रहती है। इन सब रिलेशन में सक्सेस दिलाने का जो कार्य होता है वो होता है शुक्र का। शुक्र के उपाय के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले यही आपको मिट्टी का एक बर्तन ले लेना है जैसा आप चाहें, और उसके बाद आपको मन में जो भी परेशानी है, दिक्कत है, उसे बोल दीजिए अपने मन में। और फिर बोलने के बाद इस बर्तन में आपको लाल ज्वार भरनी है। लाल ज्वार जो आप इधर फोटो में देख रहे हैं वो वाली लाल ज्वार आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, आसानी से मिल जाती है। इसकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, जितनी चाहे आप ले लें। और ये ज्वार आप इसमें भरकर आप इसे अपने बेडरूम में रख दीजिए। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छा है तब आप इसमें सिर्फ ज्वार भरकर ही रख दीजिए। लेकिन देखिए, कई बार हमें बहुत कंफ्यूजन रहती है कि हमारा बुध खराब है या अच्छा है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बहुत ही आसान सा उपाय है। तो आप बराबर मात्रा में ज्वार और हरी मूंग, इन दोनों को आप बराबर मात्रा में ले लीजिए। अब बराबर मात्रा कितनी होगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 100 ग्राम ज्वार ले लीजिए और 100 ग्राम आप मूंग ले लीजिए। उन दोनों चीजों को बराबर मात्रा में जब आपने इसमें भर लिया है, उसके बाद जाइए अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में। वहां पर कोई शेल्फ हो, कोई अलमीरा हो या फिर कोई रैक हो, कोई भी जगह हो वहां पर जाकर रख दीजिए आप इसको। आप विश्वास कीजिए मेरा कि ये उपाय बहुत ही कारगर है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये उपाय जो होते हैं इन्हें पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए कि ये असर करेंगे, तभी इनका असर होता है। कोई भी कार्य कीजिए, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि उस पर पहले विश्वास कीजिए कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो जरूर सफल होगा, तभी वो कार्य सफल होता है। तो अगर आप विश्वास के साथ ये उपाय करेंगे ना, तो आपका उपाय जरूर सफल होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही सच्चे दिल से कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, क्योंकि यही हमारे शुक्र ग्रह को भी प्रबल करती हैं। और साथ ही मेरे जो भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे उपाय मैं आपको बताती हूँ। इतने छोटे सरल सिंपल उपाय होते हैं, लेकिन इतने कारगर होते हैं कि आपकी हर परेशानी को वो हल कर देते हैं, आपका भाग्य बदल देते हैं। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब इसके बाद आपको करना क्या है, मेरे बहुत सारे भाई बहन बाद में ये कमेंट भी करते हैं कि बाद में इसका करना क्या है। तो देखिए, महीना डेढ़ महीने बाद आप इसको उठाइए और चेक कीजिए, अगर इसके अंदर जो अनाज आपने भर कर रखा हुआ है वो खराब होने लगा है, उसमें सीलन आ गई है या घुन लग गया है या कीड़े पड़ गए हैं, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, शुक्रवार या बुधवार के दिन आपको जो इसमें अनाज भरा हुआ है उसको आप ले जाकर किसी बड़े पेड़ के नीचे या किसी मैदान में डाल दीजिए, जहां पर के चींटियां या फिर दूसरे जानवर उसे खा लें, और फिर आप इसमें वही नई सामग्री भर दीजिए। ध्यान रखिए, दिन आपको बुधवार का चुनना है या फिर शुक्रवार का ही चुनना है। तो दोस्तों, ये तो हुआ लाल किताब का एक बहुत ही सरल सा और कमाल का उपाय। अब मैं आगे बात करती हूँ मिट्टी के घड़े के कुछ उपाय। देखिए, अभी सीजन जो चल रहा है वो सर्दी का चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे गर्मी आ रही है, तो हम सब लोग अपने घर में पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए मिट्टी का घड़ा लेकर आते हैं। वैसे तो मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी पीने के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्योतिष में भी मिट्टी के घड़े के कुछ ऐसे कमाल के उपाय बताए गए हैं जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर देंगे। मिट्टी के घड़े के उपाय करने से परिवार में आपस में प्यार बना रहता है, और
परिवार में घर में बरकत बनी रहती है। घर में बरकत लाने के लिए मिट्टी के घड़े का उपाय है वो ये है, सबसे पहले आप घर में मिट्टी का घड़ा लेकर आए और उस घड़े को घर पर लाकर अच्छे से साफ कर लीजिए, उसे साफ जल से धो लीजिए और धोने के बाद आप उसमें साफ स्वच्छ निर्मल जल भर दीजिए और कम से कम 5 घंटे आप उस जल को उसमें भरा रहने दीजिए। फिर आप सबसे पहले उस घड़े से किसी छोटी कन्या को पानी पिलाएं, या छोटी कन्या मतलब जो 10 साल से छोटी होती है ऐसी किसी छोटी कन्या को उसमें से पानी पिलाएं। उसके बाद आप उसमें जो जल बचा हुआ है उस जल को ले जाकर पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। उसके बाद आप इस घड़े को घर ले आइए और इसमें पानी भरकर उस पानी का इस्तेमाल आप सभी परिवार के सदस्य करते रहिए। आप देखिएगा जब तक ये घड़ा आपके घर में रहेगा, आप लोग इसका पानी पियेंगे, आपके घर में हमेशा बरकत बनी ही रहेगी। ये उपाय तो हुआ घर में बरकत लाने का उपाय। अब हम बात करते हैं अपनी आय में वृद्धि, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए हमें क्या उपाय करना है। उसके लिए भी आपको बाजार से एक नया मिट्टी का घड़ा खरीद कर लाना है और लाकर उसको धोकर अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद उसमें आपको 1-1 रुपए के 5 सिक्के उस घड़े में डाल देने हैं और फिर उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी आप इतना ही डालिए कि जितने वो सिक्के उसमें भीग जाएं। उसके बाद आप उसे रख दीजिए, घर में किसी भी जगह पर रख दीजिए। अगर अपने मंदिर में रख सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। रात भर कम से कम 1 रात आप उसको ऐसे ही रखे रहने दीजिए और अगले दिन सुबह अच्छे से स्नान करके आप उन सिक्कों को उस घड़े में से निकाल लीजिए और फिर एक लाल कपड़ा ले लीजिए और उस लाल कपड़े में रख दीजिए आप उन सिक्कों को और फिर अपने मन में प्रार्थना कीजिए, बोलिए कि आपके घर में धन की वृद्धि हो, आपकी आय में वृद्धि हो, धन का आगमन बढ़ता रहे और फिर उन सिक्कों को अच्छे से उस कपड़े में बांध दीजिए या फिर लपेट दीजिए और फिर पूरी श्रद्धा के साथ आप इस पोटली को रख दीजिए अपने घर के मंदिर में और अपने माता रानी से आप प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में हमेशा धन धान्य बना रहे।